वालेकुम, क्या हाल चाल? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और हम जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, गुदेरी से हमारा सिलसिला खत्म हो गया। हमने जो एंजॉय करना था कर लिया। अब हम जा रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसमें पहले हम जाएंगे तिबलिसी, उसके बाद जाने वाले हैं हम कुतेसी। तो कुतेसी का आपको बेकरार रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसकी वीडियोस का। तो अपने इस व्लॉग के अंदर आपको मैं शो करने वाला हूं हमारे रास्ते में आने वाले तमाम मराहिल, यानी जब हम उतरेंगे हम नजर आएंगी आपको आबशार नजर आएंगे, आपको बर्फ पड़ी हुई रोडों पे नजर आएगी, आपको बेहतरीन माहौल नजर आएगा। और ये अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो घूमना चाहते हैं, जो फिरना चाहते हैं, जो जॉर्जिया आना चाहते हैं, वो आए एंजॉय करें और अपनी लाइफ में इस फीलिंग को महसूस करें। मैंने, मेरी फैमिली ने इस चीज को एंजॉय किया। मिलते हैं आगे। गए हैं केयरफोर्ड यहाँ पे और अब हम इसके अंदर जाने लगे हैं। आपको दिखाएंगे, बहुत छोटा है केयरफोर्ड नजर आ रहा है। चल चलते हैं अंदर। तो नाजरीन, अब अंदर सबसे पहले सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है ब्रेड का, और हर तरह की ब्रेड पराठे यानी आपको अवेलेबल है। इनकी जो चीज़ बड़ी मशहूर सुनने में आया है कि बहुत अच्छी होती है, तो उसकी चीज़ की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से नट्स वगैरह लगे हुए हैं और डिस्प्ले देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल छोटी सी एक दुकान की तरह डिस्प्ले हुआ हुआ है। कि आप यहाँ पे देखिए, आलू रखे हुए हैं, आलू भी उस लेवल के नहीं हैं जो माशाल्लाह से सऊदीया में अवेलेबल होते हैं और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। ये पानी वगैरह और ये इनके बेकरी के आइटम जो बाहर से कंपनी जो सेल करती हैं, शकूरे वो पूरे कहलाते हैं, इनके पापे होते हैं ये। तो इसमें कुछ ऑफर लगाई हुई हैं, जैसे 11 का था तो 6 का कर दिया लारे का। तो ये वही अपना तमाम चॉकलेट्स और इसके मतलब कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं। इसकी भी 4.95 लगाई हुई, तो प्राइस 2.2 की है, 2.55 की भी है। तो इसी तरह से आप देखें, ये वही चॉकलेट्स हैं, डेयरी मिल्क और डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो चॉकलेट्स मौजूद हैं जो हर स्टोर में गल्फ में मौजूद होती है। अब तो पाकिस्तान में, इंडिया में भी तमाम तो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है इनका छोटा सा एक स्टोर जहाँ ये केयरफोर कहलाता है, लेकिन केयरफोर जो हमने देखे हुए हैं वो ऐसा नहीं है, बहुत मिनी केयरफोर जिसे कहते हैं वो, ये वो है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी बियर्स, इनकी शराब भी इन्होंने लोगों ने इसमें रखी हुई है आउटलेट के ऊपर। इसी तरह से पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये इसी तरह जैम्स वगैरह, इनके हनी वगैरह, इनके जो है अदर जो फ्लोर और इस तरह के आइटम भी इन्होंने शेल्फ में लगाए हुए हैं। अब आप देखेंगे मुझे इनके जूसेस वगैरह, असल में सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था कि इनका, अब पता नहीं इन्होंने हर चीज़ में अल्कोहल मिलाया है या नहीं मिलाया है, चीज़ों पे लिखा होता है। ओरियो भी देखें, सेम ओरियो दस्तियाब है यहाँ पे। इसी तरह ये वाइन्स लगी हुई हैं सारी, ये वाइन्स हैं लगातार लाइन से लगाई हुई इन्होंने। और ये पॉप और यानी केक के फिर आइटम आ गए, ये जो बाहर से कंपनी सेल कर रही है इनको, और नेस्क्विक भी अवेलेबल है। मैक्सिमम मैंने तो यही देखा है कि यहाँ पे ना हर तरह की प्रोडक्ट्स जो गल्फ में मिलती हैं वो अवेलेबल हैं। और केयरफोर में एक सप्लाई चेन है तो उसमें सब होगा। अब जैसे कि ये वॉल्स है, लेकिन अलगीदा इन्होंने नाम दिया हुआ है इसको, ये लोगो वॉल्स वाला लग रहा है मुझे ये, लेकिन अलगीदो है स्कीम, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते। उसकी वजह ये मालूम नहीं इसके इंग्रेडिएंट में जो है इन्होंने क्या चीज़, कहाँ की बटर, कहाँ की चीज़ इस्तेमाल की है, क्या किया हुआ है, तो वी डोंट बिलीव इट। अच्छा, दूध के सेक्शन में आते हैं और इस तरह की जॉगर्ट्स वगैरह सेक्शन में आते हैं। हमें एक, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हम जो गुदावरी में थे, कि इस रेस्टोरेंट से हमने जो है ना मिल्क है परचेज किया, ये जो ब्लू वाला लगा हुआ है ये मिल्क है एक्चुअली। तो नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं फ्रीडम स्क्वायर पे तिबलिसी में। अब ये देख रही हैं यहाँ पे, अभी मौसम चूंकि डिफरेंट है, बर्फबारी यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी मतलब 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो
लेकिन मौसम फिर भी बेहतर है, थोड़े कोल्ड विंड्स हैं और धूप भी निकली हुई है, तो ये लोग धूप को बहुत पसंद करते हैं। तो ये है सिनेरियो, और आगे देखें पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ बोल जाता है लेकिन वो गलत होता है। उसकी वजह ये है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और मुझे लग रहा था ये पुलिस वाले हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसी तरह से आप देखें, किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए बगैर, किसी भी आपकी एक्टिविटी को रोके बगैर इनका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। और चूंकि यहाँ पुलिस वाले भी बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, गैर जरूरी किसी को नहीं रोकते हैं, तो लोग अपने इजीली मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे कोई मतलब डिस्टिंग्विश नहीं देखा किसी को, किसी को अलग एक दूसरे से अलग होते हुए नहीं देखा। बहुत यानी कि वेलकमिंग लोग हैं, और ठीक है गुर्बत है, लेकिन गुर्बत होने से ये नहीं होता कि लोग अपने आप को भूल जाएं। क्या फ्लावर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। और अब ये देखें यहाँ पे जो है ना, रेंट अ कार अवेलेबल है। आपने जनाब 45 से लेके 70 लारे 80 लारे तक आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको कस्बे की जाना है, गुदेरी जाना है, तो आप बुक कर सकते हैं। इनसे बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है, बार्गेन किए बगैर आपका काम नहीं होगा। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं तिबलीसी। तिबलीसी में ये एक मॉल है, तिबलीसी मॉल के नाम से है। इसमें वही नॉर्मल आप जो समझते हैं कि गल्फ में जैसे मतलब बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उसी तरह का एक ये स्टोर भी है। और ये मॉल जैसे हाइफा मॉल है, जैसे सऊदीया में अगर आप देखें रेड सी मॉल है, तो उसी काइंड का ये जो है ना यहाँ पे मॉल है। लेकिन इसमें बस एक खास बात है कि जब आप इसमें एंट्रेंस होती है तो आपको इस तरह से ये पूरे लिफ्ट्स नजर आती हैं। अच्छा फ्लोर बहुत ज्यादा है इसके अंदर ना, ऊपर तक सीढ़ियां ऊपर तक जा रही हैं, लोग ऊपर से ऊपर चले जाएं क्योंकि कैसीनो बने हुए हैं, और प्लस वो उनकी जो पब्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं ऊपर, और ये इनकी जो क्रिसमस ट्री है वो, क्योंकि क्रिसमस भी करीब है इन लोगों की, उसकी सेलिब्रेशन इन लोगों की तैयार है। और इनके प्राइसेस 1.95, जैसे आप देख रहे हैं कैबेज थी, और इसी तरह से प्याज के प्राइस जो है 1.95 है, 7.9 की उसकी मिर्चें हैं। ठीक है और अब जो है हमारे जाने का वक्त आ गया है, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए इसी तरह से व्लॉग्स आगे आने वाली वीडियो में। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि एक इनका प्रोविंस है कुतेसी, उसमें हम विजिट करेंगे और वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर वगैरह दिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।